मुअज़्ज़ज़ ताजर कायदीन व ताजरान पाकिस्तान मोहम्मद काशिफ चौधरी सदर मरकज़ी तंज़ीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मेरे मुल्क भर के ताजरों, बिजली के बिलों पर लगाए गए ज़ालमाना टैक्सेस के हवाले से हमारा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है कि टैक्स लगे बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। इस हवाले से चेयरमैन FBR के साथ, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के साथ और दीगर हुकूमती ज़िम्मेदारान के साथ हमारी मुलाकातें भी हुई और मुसलसल मुलाकातें और राबते जारी हैं। इन मुलाकातों के नतीजे में हकूमत ने हमें ये ऑफ़र की कि 150, 200 और 250 यूनिट तक वो आ चुके हैं कि इस यूनिट तक बिजली के बिलों पर हम फिक्स टैक्स नहीं लगाते, लेकिन अमूमी तौर पर लगा हुआ टैक्स उस बिलों के अंदर शामिल रहेगा। इसी तरह उन्होंने हमें ये ऑफ़र की कि 30,000 रुपये के बिजली के बिल के ऊपर 6,000 की बजाय 3,000 रुपये टैक्स को कर दिया जाता है, लेकिन हमने उन्हें यह कहा कि सेल टैक्स रिटेलर के ऊपर नाफिज ही नहीं होता। मैं यहाँ ताजर भाइयों आपको एक अहम बात समझाना चाहता हूँ कि ये फिक्स टैक्स Tier 1 के रिटेलर्स के लिए नहीं है जिनकी 1,000 मुरबा फुट की दुकान है या 12 लाख सालाना बिजली का बिल है या जो होल सेलर कम रिटेलर हैं, ये फिक्स टैक्स उनके लिए नहीं है। वो सालाना 12 सेल टैक्स के गोशवारे जमा करवाएंगे माजी की तरह। ये Tier 2 का रिटेलर के जो उस कैटेगरी में नहीं आता, उनको सेल टैक्स के नाम के ऊपर फिक्स टैक्स लगाकर सेल टैक्स की रजीम में लाना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उसके बावजूद मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ हमारे अहदेदारान, दीगर ताजर तंजीमें हकूमतों से मिल रही हैं। मैं उन सब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यह इस वक्त की ज़रूरत है, इत्तेहाद और यकजहती। अगर हमने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा ना किया तो फिर एक टैक्स, उसके बाद दूसरा टैक्स, फिर तीसरा टैक्स लगते चले जाएंगे। हम अपने मौक़िफ़ पर दिलेरी के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान के छोटे ताजर के ऊपर इस टैक्स का नफाज नहीं हो सकता। हमने हुकूमत को भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर आप ये टैक्स लगाना चाहते हैं तो बिजली के बिल के ऊपर दीगर तमाम टैक्सेस ख़त्म करना होंगे। ज़बानी तौर पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने हमें कहा कि हम वो टैक्स ख़त्म कर देंगे, लेकिन अमली तौर पर अभी कोई टैक्स ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए मैं चंद बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के किसी हाई कोर्ट ने ताजरों के लिए हक में कोई फैसला नहीं किया। वकला हाई कोर्ट के अंदर गए थे, वो फैसला सिर्फ वकला की हद तक है। किसी अदालत से ताजरों को रिलीफ अभी तक नहीं मिला। इसी तरह दूसरी बात वाज़ेह करता चलूँ, हमारा फैसला है कि बिजली के बिल जमा नहीं करवाएंगे। मैं एक छोटा सा नुक्ता आपको बताना चाहता हूं कि साल के अंदर अगर 6,000 रुपये छोटे ताजर पर टैक्स लगे तो सालाना 72,000 रुपये बनते हैं। ये बिल तमाम जब आप जमा नहीं करवाएंगे, कोई अहलकार आपका मीटर नहीं काटेगा। अगर काटने की कोशिश करेगा तो मार्केट एसोसिएशन तहफ़ करेंगी। और दूसरी बात, अगर अगले महीने बिजली के बिल के अंदर 1,000 या 2,000 खुदा ना खास्ता सरचार्ज लग कर आ भी जाए तो 72,000 रुपये आपने सालाना इस टैक्स के खात्मे की सूरत में बचाना है। अगर 2,000 सरचार्ज लग भी गया तो जिद्दोजहद में कुछ कुर्बानी तो देना पड़ती है। इसलिए मैं ताजरों को कहता हूँ, मुतहद रहें, यकजान रहें, अफवाहों पर यकीन ना करें। किसी किसी जगह पर एक्सियन, बापडा के एक्सियन टैक्स काट कर बिजली के बिल दे रहे हैं। वहाँ पर अगर कोई दोस्त जमा करवाते हैं तो हमने ये वाज़े किया है कि सेल टैक्स लगे बिल जमा नहीं करवाने। इसलिए मुत्तहिद रहें, तैयारी रखें। 17 अगस्त को अगर इन हुक्मरानों ने उससे पहले मसला हल न किया तो 17 अगस्त को मुल्कगीर शटर डाउन होगा और आप ताजरों की ताकत से इस ज़ालमाना टैक्स का खात्मा करवाएंगे।